उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर चलाए गए निधि संग्रह अभियान के तहत आज श्री राम मंदिर निर्माण सहयोग समिति द्वारा नगर में लोगों से दान राशि एकत्रित की गई। राम मंदिर निर्माण सहयोग समिति की तरफ से बोलते हुए विनोद डोलिया ने कहा कि पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा एकत्रित किया जा रहा है, जिससे राम मंदिर सुंदर एवं भव्य बने। उन्होंने कहा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पूरे देश का माहौल बदल गया है। देश में राम मंदिर बनने से जहां राम भक्तों की आस्था बढ़ी है, वहीं राम मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में एक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ऐसा होगा कि जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग देखने के लिए आएंगे और भगवान राम की धरती अयोध्या के पावन दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस निधि संग्रह अभियान में विश्व हिंदू परिषद भी मुख्य भूमिका निभा रही है। विनोद डोलिया राम मंदिर निर्माण सहयोग समिति की टोली सहित आज गुरुद्वारा रोड स्थित देव पूर्णिमा के प्रतिष्ठान पर बोल रहे थे। इस अवसर पर समाज सेवी जगदीश तनेजा ने बताया कि इस निधि संग्रह अभियान के तहत पूरे हल्के में 15 टोलियां बनाई गई हैं, जो शहर के साथ साथ गांव में भी राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक नगर से 5 लाख रुपए से ज्यादा चंदा एकत्रित हो चुका है। इस अवसर पर तुलसीदास वर्मा, विजय बंसल, तिलक राज संदोला, संजीव शर्मा, विनोद मित्तल, अजय अत्री, सुरेश वर्मा, देव पूर्णिमा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। अब ये प्रोग्राम चल रहा है, भगवान राम जी का जो मंदिर भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या जी में, तो हमारे संगठन ने कहा है कि 1 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हर हिंदुस्तानी के घर में हमने जाना है। उनसे अपील करनी है कि जो भी वो हमें दान दक्षिणा सहयोग जो भी मंदिर में देना चाहे 1 रुपये से लेकर के और ऊपर तक जितने भी उनकी जो उनकी स्वेच्छा है जो देना चाहते हैं उससे वो इसमें कर सकते हैं। बहुत भव्य मंदिर बनेगा, 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है भगवान राम जी का, 72 एकड़ में बनने जा रहा है। दुनिया का ऐतिहासिक चीज़ होगी वो, जो कहते हैं ना 7 अजूबे, ये 9वां अजूबा होगा। अजूबा भी ऐसा होगा जो दुनिया उसको जिसको करोड़ों जो वो है लोग इसको हर महीने देखा आया करेंगे। इसमें हर तरह का उसके अंदर फैसिलिटी होगी, उसमें लंगर चलेगा, उसके अंदर रहने की व्यवस्था होगी, उसमें भजन कीर्तन के लिए अलग होगा, उसमें मीटिंग के लिए अलग होगा। बहुत सुंदर एक व्यवस्था वहाँ बनने जा रही है सब हिंदुओं के लिए, एक जबरदस्त।